आज का वीडियो इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ टू एडिट लिरिकल वीडियोज़ विथ म्यूजिक इन कैनवा। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो आज हम लोग एक वर्टिकल वीडियो बनाएंगे जिसे आप लोग इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग साइज़ चूज कर लेंगे, तो इसलिए वीडियोज़ पे चलते हैं। एंड यहाँ पे हम मोबाइल वीडियो का साइज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक वीडियो ले रही हूँ क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक पेज आ चुका है, तो इस पर हम लोग अब इमेज लगा सकते हैं या फिर आप वीडियोस भी डाल सकते हो। तो मैं आज यहाँ पे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगी एंड गैलरी। ऑलरेडी मैंने कॉपीराइट फ्री वीडियोज़ डाउनलोड करके रखी है जो अब मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी। तो ये रहा फर्स्ट वीडियो एंड मैं ऐड टू पेज कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एड्रेस कर लूँगी। हम लोग लिरिकल वीडियो बना रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगी जहाँ पे हम लोग लिरिक्स डालेंगे। तो टेक्स्ट पे जाओ एंड यहाँ पे ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स कर दूँगी मैं। तो इसकी पोजिशन मैं सेट कर दूँगी एंड इसको रिसाइज भी करूँगी एंड इसका फॉन्ट भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये लवली मे स्क्रिप्ट वाला फॉन्ट यूज़ करने वाली हूँ। ओके, तो ये टेक्स्ट है वो पूरे मेरे वीडियो पे लग चुका है, स्टार्ट टू एंड आपको यही टेक्स्ट दिखाई देगा। एंड अब हम लोग यहाँ पे म्यूज़िक ऐड करेंगे, तो म्यूज़िक भी कॉपीराइट फ्री है एंड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो हम लोग प्लस पे जाएंगे, अपलोड्स पे क्लिक करेंगे, देन ऑडियो सिलेक्ट करेंगे एंड अपलोड फाइल्स। तो यहाँ से सॉन्ग सिलेक्ट करो एंड सॉन्ग आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ऑडियो हमारी आ चुकी है, अब हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है उसे हम लोग एनिमेट करेंगे। तो उसे सिलेक्ट करो एंड एनिमेट। तो यहाँ पे कई सारे एनिमेशन इफ़ेक्ट्स है। टाइपराइटर आप ये किसी स्लो गाने के लिए यूज़ कर सकते हो, देन असेंड। तो आप डिसाइड कर सकते हो अपने गाने के अकॉर्डिंग कि कौन सा एनिमेशन अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग यूज़ करेंगे ये ब्रीथ वाला। आई थिंक इस सॉन्ग के लिए ये काफ़ी परफेक्ट है एनिमेशन। तो अब हम लोग ये सॉन्ग सुन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिरिक्स सुनते सुनते ये जो हमारी वीडियो है उसे मैं स्प्लिट करूँगी। गाने को स्प्लिट नहीं करना है, इस वीडियो को हमें स्प्लिट करना है क्योंकि उसके हिसाब से हमें लिरिक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्ड के बाद मैं यहाँ पे एक स्प्लिट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सेकेंड स्प्लिट करूँगी, तो मैंने तुझे देखा के बाद में एक थोड़ा सा पॉज है एंड देन अगला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो हंसते हुए से थोड़े से पहले मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं और एक स्प्लिट करूँगी। तो जैसे जैसे वीडियो को स्प्लिट करते जाओगे वैसे वैसे आप प्ले करके एक बार देख लो कि आपके लिरिक्स ये सही से आ रहे हैं या नहीं। एंड नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे हंसते हुए गालों में। तो यहाँ पे मैं इस एक सेंटेंस को मैं एक वीडियो पे नहीं लूँगी, तो इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगी। मुझे ऐसे कंटिन्यूस नहीं चाहिए, वो काफ़ी बड़ा दिखेगा अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगी। तो हंसते हुए के बाद में मैं एक स्प्लिट करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्प्लिट करूँगी एंड देन मैं अगेन चेक करूँगी। ओके, तो यहाँ पे गालों में सही आ रहा है। तो ऐसे ही आगे का वीडियो भी हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। तो
यहाँ पे बेजर के थोड़े से पहले मैं स्प्लिट करूँगी। तो यहाँ पे मैं बेजर ख्यालों में ये लाइन में पूरी एक वीडियो पे रखूँगी। देन जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसके आगे मैं कट मार दूँगी एक। तो इस पहले वीडियो को तो हमने अच्छी तरीके से चॉप कर दिया है, तो आई थिंक मुझे और दो तीन वीडियोस लगेंगे जिस पर हम लोग नेक्स्ट लिरिक्स ऐड करेंगे, जिससे 50 या 60 सेकंड तक हमारा गाना बन जाएगा। तो मैं फटाफट से वीडियोस को ऐड कर लेती हूँ, उन्हें स्प्लिट कर देती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिरिक्स को टाइप करूँगी। ये जो फर्स्ट वीडियो आपको दिख रहा है वहाँ पे एक वर्ड है मैंने, तो यहाँ पे मैं उस वीडियो के लिए टेक्स्ट डाल दूँगी मैंने। ओके, देन मैं स्लाइड करूँगी एंड सेकेंड वीडियो के लिए जो लिरिक्स है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी, तुझे देखा। ओके, देन मैं ऐसे ही हर वीडियो के लिए लिरिक्स को यहाँ पे डाल दूँगी। तो एक बार देख लेते हैं कि वीडियो कैसे बना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ऑडियो है वो आगे चल रहा है एंड जो लिरिक्स है वो स्क्रीन पे लेट आ रहे हैं थोड़े से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो प्रीवियस वीडियो है उसे मैं थोड़ा सा क्रॉप करूँगी, मतलब फ्यू सेकेंड्स से मैं क्रॉप करूँगी। तो यहाँ पे पूरा ट्रायल एंड एरर का खेल है, आप थोड़ा सा कम करके या अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी वीडियो को देख सकते हो। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा क्रॉप करूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे लिरिक्स टाइप करके हो चुके हैं, अब हम लोग एक प्रीव्यू देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि वीडियो बीच में अटक रहा है या थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है बीच में, तो सिर्फ प्रीव्यू में आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब आप डाउनलोड करके वीडियो देखोगे ना तब वो वीडियो एकदम स्मूथ होगा। तो हमने डाउनलोड भी कर दिया है यहाँ पे। इस वीडियो का पार्ट भी हम एक बार देख लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ये वाले वीडियो चेकआउट कर सकते हो।